बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। एमपीएम का अपने ही बानी के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलाने का मुतालबा। अल्ताफ हुसैन मुल्क दुश्मन है। सिंध असेंबली में तमाम सियासी जमातें हम आवाज। एमपीएम के बानी के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। अगस्त की रात किसी कयामत से कम न थी। सब साथियों ने अंगारों पर चलने का फैसला कर लिया ताकि आगे जाकर हमें और आवाम को सुकून मिले। ख्वाजा इजहार की सिंध असेंबली में जज्बाती तकरीर। एमकेएम पाकिस्तान का कराची ऑपरेशन की हिमायत जारी रखने का भी ऐलान। दूसरी जानिब ख्वाजा इजहारुल हसन की 3 केसेस में उबूरी जमानत मंजूर। निसार खोड़ों ने कहा कि मामलात हल करना चाहते थे, अचानक मुल्क के खिलाफ नारे लगाए गए। शहला रजा बोली, हमें सुबों की बात से आगे निकलना होगा। खुर्रम शेर जमान का जारहाना अंदाज, कहते हैं बानी एमकेएम पाकिस्तान का गद्दार और रॉ का यार है। कराची में अमरीकी काउंसिल जनरल की एमकेएम पाकिस्तान के सरबरा डॉक्टर फारूक सत्तार से मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। काउंसिल जनरल ने फारूक सत्तार की खैरियत भी दरियाफ्त की। मनी लॉन्ड्रिंग केस के मरकजी किरदार सरफराज मर्चेंट की लंदन की हमरस्मिथ कोर्ट में पेशी। अदालत की सरफराज मर्चेंट के वकील को 25 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने की हिदायत। पुलिस ने तफ्तीश के लिए मजीद वक्त मांग लिया। एशिया में आम के सबसे बड़े दुश्मन का हकीकी चेहरा आज दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आज अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से अहम खिताब करेंगे। भारत के कश्मीरियों पर मजालिम और पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने का मामला भरपूर अंदाज में उठाया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ से वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकात। पाक अफगान बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में 29 सिविल आर्मर्ड फोर्स विंग्स के क्याम पर भी बातचीत की गई। रायबंद मार्च के लिए तैयारियां तेज। पीटीआई वफ्द की सरबरा अवामी मुस्लिम लीग से मुलाकात। जहांगीर तरीन का कहना है कंप्यूटर हैक करके पनामा दस्तावेजात हासिल की गयी जिनमें नवाज शरीफ का नाम शामिल था। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद ये जवाब नहीं दे रहे। शेख रशीद बोले 30 सितंबर को तहरीक इंसाफ की रैली में शिरकत करेंगे। चौधरी निसार की शहबाज शरीफ से दूसरे दिन भी मुलाकात। साद रफीक भी मौजूद थे। मुलाकात में सियासी सूरत हाल और पीटीआई मार्च के हवाले से मुशावरत। मार्च में कोई रुकावट ना डालने का फैसला। लीगी कारकुनों को भी रद्द अमल से रोक दिया गया। अमन अमान खराब करने की कोशिश पर सख्ती से निपटा जाएगा। रावलपिंडी के हॉली फैमिली अस्पताल में कांगो का मरीज दम तोड़ गया। मरीज 4 दिन जेरे इलाज रहा। जिले इंतजामिया के आला अफसरों की निगरानी में इकबाल की तस्वीर। जनाजा उठाने वाले और तस्वीर करने वालों को खसूसी लिबास पहनाए गए। बेनजीर का लाल, उम्र हुई 28 साल। जालों ने किया केक का बुरा हाल। बिलावल भुट्टो की आज साल गिरा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के रोकने के बावजूद जालों ने कई शहरों में केक काटे। मुल्तान में जाले केक पर टूट पड़े। One of the best days in my life to become the number one team in chess ranking. टेस्ट क्रिकेट के रुस्तम जमां पाकिस्तान को गुर्ज मिल गया। दुनिया की नंबर वन टेस्ट टीम के कप्तान को एजाज कजाफी स्टेडियम में आईसीसी की तकरीब में दिया गया। मिसबाह उल हक मजीद कामयाबियों के लिए पुरउम्मीद, कहते हैं नंबर वन है और नंबर वन रहना चाहते हैं। कराची के साहिले समंदर पर 6 नायाब नस्ल की वेल मछलियां देखी गईं। WWF के मुताबिक साहिल से 12 किलोमीटर जनूब में पहली वेल देखने की इत्तला मिली। मकामी शख्स ने 4 वेल्स देखने के मुतालिक बताया। चांदनी रात
संगीत की दुनिया की मलिका नूरजहां का आज 90वां यौम पैदाइश। 6 दहाइयों तक आवाज का ऐसा जादू जगाया कि उनके गीत आज भी कानों में रस खोलते हैं। 1000 से ज्यादा फिल्मों के लिए गाने का एजाज।